हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप जानते हैं कि शनि की दशा जो है जब भी आती है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आती है। किसके लिए? जिसके लिए शनि जो है वो ख़राब है, उनके लिए नहीं जिनका शनि बहुत ज़्यादा अच्छा है। शनि की दशा जो है वो, शनि आप जानते हैं कि ऐसे देवता हैं, शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल करवाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सुकून और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आज मैं आपको शनि से रिलेटेड बहुत बढ़िया उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, शनि की वजह से शनि की दशा आ गई है, शनि की ढैया आ गई है, किसी भी वजह से आपको लगता है ऐसा कि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आपके माइंड में ये बात बैठी है कि हमारा तो शनि ख़राब है, किसी ने आपसे कह दिया है, तो उन बातों को ज़्यादा आप मन में मत लाइए। शनि देव का एक बहुत ही अच्छा रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ऐसा रेमेडी है कि जब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, बस घर बैठे ही करना है आपको, और ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। शनि की जब परेशानी आती है, जब शनि देव कुछ कुछ ऐसा लगता है कि शनि की दशा आ गई है, देखिए ग्रह हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी ग्रह हमें कोई परेशानी नहीं देता है। सिर्फ क्या होता है कि उनका स्थान जो है वो अपने अपने जिस स्थान पर बैठे होते हैं, वो भी एक तरह से जिस तरह से हम अपना कर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह से वो भी अपना कर्म कर रहे होते हैं परम सत्ता की ऑर्डर से। तो दोस्तों, इसलिए किसी भी ग्रह से आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमेशा अच्छे मार्ग पे चलते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, आपको रिजल्ट अच्छे ज़रूर मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं और आपको उसका रिज़ल्ट ना मिले। दोस्तों, शनि का जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, ये रेमेडी करेंगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपको उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ जाएगा। और ये रेमेडी आपको हर शनिवार को करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करें। रोज़ करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप हर शनिवार को करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि छोटे छोटे रेमेडी हैं वो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे ज़्यादा तनाव हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, मेरा कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है या रुक गया है, या किसी और वजह से, किसी और कारणवश जो है वो आपका कोई काम बन नहीं पाया है, तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि जब ज़्यादा देर तक सोचते हैं, रोज़ एक ही टेंशन को, रोज़ एक ही बात को सोचते रहते हैं, तो आगे जा कर के उनको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो नेगेटिव थॉट्स तो आप बिल्कुल भी अपने मन में कभी मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थॉट्स आप जितने मन में लाएंगे उतना ही आपके देखिए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत जल्दी काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए आप हमेशा कभी भी निराश मत होइए, और निराशाजनक जो भी आपसे कोई बातें कर रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। डिसअपॉइंटमेंट वाली कोई बात आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर टेंशन आ भी गई है तो उस टेंशन को मत सोचते रहिए, उस टेंशन को लेके मत बैठिए, क्योंकि रोज़ और ज़्यादा दिनों तक वो टेंशन लेने से वो डिप्रेशन में बदल जाती है दोस्तों। तो इसलिए टेंशन को आप जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा जो बातें बता रही हूँ, ये आपके भले के लिए बता रही हूँ। दोस्तों, आप अगर ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके काम ज़्यादा 99% बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो लगन, हिम्मत और आपके अंदर जो एक आपने कोई गोल रखा हुआ है उसको अचीव करने की आपके अंदर पावर, विल पावर आ जाती है। तो इसलिए पॉजिटिव हमेशा सोचते रहिए। दोस्तों, करना क्या है आपको, एवरी सैटरडे को, आपको हर सैटरडे को आपको पैरों के तलवों में, जो आपके जो तलवे हैं पैरों के, उनमें आपको सरसों के तेल की मालिश करनी है सोने से पहले। आप अगर ये एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, रोज़ करते हैं तो भी ठीक है, एक दिन मतलब जितनी आपको लगे कि हाँ मुझे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे जो हैं काम बनेंगे, आपके काम भी बनेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका जो माइंड है, जो मन है, वो थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मिलेगा आपको। सोने से पहले तलवों में सरसों के तेल की मालिश करने से मेमोरी भी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। बच्चों के तलवों में भी हफ्ते में 2-4 बार सरसों के तेल की अच्छे से मालिश कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हर शनिवार को अपने तलवों में सरसों के तेल की मालिश रात में सोने से पहले करके आप सो जाएं, सोने से पहले यानी कि करें। आप अपने तलवों में सरसों के तेल की जो मालिश करेंगे वो बहुत ही रिलैक्सिंग तो आपको देगी,
नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेगी। सरसों के तेल कहते हैं, सरसों का तेल एक ऐसा होता है जिससे कहते हैं कि सरसों के तेल का दिया जब जलाते हैं, हम पीपल के नीचे भी रखते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, वो भी हमारी स्वीकार होती है। तो सरसों के तेल में कुदरत की चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ तो बात है। तो इसीलिए आप कुदरत की हर चीज़ जो है ना, वो हम कहते हैं ना कि हमें उपाय बाहर से भी करने की ज़रूरत नहीं, हमारे घर बैठे ही हमें घर के अंदर ही हमें अपने उपाय मिल जाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स फील हो, आपके अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई परेशानी आ रही है, खासकर शनि से रिलेटेड आप परेशान हैं, शनि की दशा से परेशान हैं, तो आप ये सरसों के तेल की तलवों पे और सिर पे आप सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, हर शनिवार को लगाएं। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो आपके जो काम है ना, एक तो वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? सरसों का तेल जो है ना, वो खासकर शनि का कारक है, इसलिए शनि देव की जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, आ रही हैं आपके काम में, आ रही हैं आपके, आपको किसी भी चीज़ को लेकर के परेशानी है, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसलिए रात में सोने से पहले तलवों पे सरसों के तेल की मालिश करके ही आप सोएं, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जो है वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों ये रेमेडी एक बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thanks for watching.